आई एम गोइंग टू डिस्कस GIT सिस्टम एंड आज हम इस वीडियो में ओवरव्यू लेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का और अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में हम एक कंप्लीट जो होगा रिव्यू करेंगे, ओवरव्यू लेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट रिफ्लेक्सेस का, अप्लाइड फिजियोलॉजीज का और जो डिफरेंट मूवमेंट्स हो रही होती हैं फूड की डाइजेशन में जो रोल प्ले कर रही होती हैं GIT की मूवमेंट्स, उनको भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं हमारे माइंड में डाइजेशन आती है, बट डाइजेशन के प्रोसेस करने के लिए कितने एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, कितने सब्सटेंसेस रिलीज़ हो रहे होते हैं, एसिड की प्रोडक्शन हो रही होती है, ये सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन सब प्रोसेसेस का ओवरव्यू लेंगे, GIT का ओवरव्यू लेंगे। जबकि हमें मतलब एक ओवरव्यू ले लेंगे, हमारे माइंड में एक स्केच बन जाएगा कि है क्या GIT में और क्या क्या हो सकता है, तो उसके बाद हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी इजी रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं डाइजेशन का प्रोसेस। जब हम फूड लेते हैं हमारे माउथ से ही डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ में स्लाइवा होता है और स्लाइवा में एंजाइम्स होते हैं जो फूड की डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। अब जब तक हमारे पास फूड आती है स्टमक में तो इस काबिल हो चुकी होती है या वो इतनी डाइजेस्ट हो चुकी होती है या वो इतनी हो चुकी होती है कि उसकी इजीली ब्रेक डाउन हो सके स्मॉलर पीसेस में, देन फर्दर उस पर प्रोसेस हो और वो हमारे ब्लड में जो है एब्जॉर्ब हो जाए और एज अ न्यूट्रिएंट बॉडी को मिले। हम फूड लेते हैं क्योंकि हमें एनर्जी मिले, बट जिस फॉर्म में हम फूड ले रहे होते हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। सो उसके लिए डाइजेशन का प्रोसेस होता है और फिर हमारे पास फूड जो होती है वो बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स में आ जाती है, तो वो फिर फर्दर हमारे पास ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है और एज अ न्यूट्रिएंट होल बॉडी उस न्यूट्रिशन को यूज़ करती है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे और केमिकल सब्सटेंसेस भी रिलीज़ हो रहे होते हैं, एंजाइम्स भी रिलीज़ हो रहे होते हैं जो हमारे पास यूज़फुल होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होता है ना, उसमें हमारे पास हमने जैसे देखा कि मैकेनिकल हमारे पास इन्वॉल्वमेंट होती है एंजाइम्स की, ठीक है, एंजाइमेटिक ब्रेक डाउन होती है फूड की। तो हम देखते हैं कि फंक्शन क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने फूड इंजेस्ट की, फर्स्ट फंक्शन क्या है, हमने फूड को इंजेस्ट किया, कंजप्शन हुई फूड की। सेकंड क्या हुआ, जब फूड अंदर चली गई तो उसकी ब्रेक डाउन हुई, जब ब्रेक डाउन हो गई तो वो फिर क्या होता है उसकी स्मॉल पार्टिकल्स में ट्रांसपोर्ट हुई, वही स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे पास फिर फर्दर उनको हमारे पास जो उनकी डाइजेशन करने के लिए इंजाइम्स सेक्रेट होते हैं उनकी फर्दर डाइजेशन होती है, देन एब्जॉर्प्शन होती है जो प्रोडक्ट्स हमारे पास जिनकी ब्रेक डाउन हुई होती है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और बॉडी उसको यूज़ करती है, और जो अनवांटेड हमारे पास मटेरियल होता है या अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी की नीड नहीं होते वो रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम बॉडी। लास्ट स्टेप हमारे पास रिमूवल होता है। अगर हम इसकी एनाटॉमी को देखें कि हमारे पास फंक्शनल एनाटॉमी क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये हमारे पास होता है फ्रॉम माउथ अप टू एनस एंड विद द लेंथ ऑफ अबाउट 30 feet। और ये हमारे पास क्या होता है कि इसमें दो तरह के ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है। GIT फॉर्म में टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड सेकेंड इज़ एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन से आते हैं, हमारे पास माउथ है, फेरिंग्स है, ओसोफेगस है, इसके अलावा हमारे पास स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। और अगर एसेसरी ऑर्गन्स की बात करें, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की, तो उनमें क्या है, टीथ है, टंग है, स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, लीवर है, गॉल ब्लैडर है एंड आल्सो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। सो ये हमारे पास एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के पार्ट्स हैं। अच्छा, जो GIT ट्रैक की वॉल होती है अगर हम उसको देखें कि वो कैसे बनती है, तो वो 4 layers से बनती है। फर्स्ट वन इज़ म्यूकस लेयर, सेकंड इज़ सब म्यूकस लेयर, थर्ड मस्कुलर लेयर है और फोर्थ हमारे पास सीरस या फिर फाइब्रस लेयर है। सो ये 4 layers होती हैं जो GIT ट्रैक की होती हैं और ये फूड की डाइजेशन को फैसिलिटेट करती हैं, फूड का जो पैसेज होता है उसको फैसिलिटेट करती हैं, और इसकी जो कंपोजिशन है वो ही कुछ इस तरह से हुई हुई है कि वो फूड की डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो ब्लड सप्लाई कौन कौन सी हो रही होती है, जीआईटी सिस्टम में कौन सी है, इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई होती है और हमारे पास एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई होती है। और इसमें जो एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई होती है उसमें हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स आते हैं और पैरासिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स आते हैं। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स का अगर हम फंक्शन देखें तो ये जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं ये इनहिबिट करते हैं मूवमेंट को। सही है, जो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं वो इनहिबिट करते हैं मूवमेंट्स को और डिक्रीज करते हैं सेक्रीशंस ऑफ जीआईटी, ठीक है, बाय सेक्रेटिंग द न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएड्रेनालिन। हमारे पास नॉरएड्रेनालिन जो होता है वो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स सेक्रेट करवा रहे होते हैं ताकि हमारे पास क्या हो कि जो इनहिबिट हो सके जीआईटी की मूवमेंट सेक्रेशंस और हमारे पास जो स्फिंक्टर्स होते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन हो जाए। और अगर हम इसी तरह पैरासिंपैथेटिक फंक्शन को देखें तो पैरासिंपैथेटिक जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास मूवमेंट्स को एनहेंस कर रहे होते हैं, फर्दर एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, इंक्रीज करते हैं सेक्रीशंस को और हमारे पास स्फिंक्टर्स को भी वो अक्लोज नहीं कर रहे होते। और अगर पैरासिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स देखें कि वो क्या कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रेट कर रहे होते हैं तो वो करते हैं एसिटाइलकोलाइन को जो कि हमारे पास एक्सेलरेट कर रहा होता है जीआईटी की मूवमेंट्स। तो हमने देखा कि जीआईटी के पार्ट्स कौन से हैं, जीआईटी की वॉल्स कैसे बनती हैं और जीआईटी की नर्व सप्लाई क्या है और जो हमारे पास नर्व फाइबर्स हैं वो क्या फंक्शन प्ले कर रहे हैं। सो दिस इज़ द ओवरव्यू अबाउट जीआईटी सिस्टम और नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह वन बाय वन जीआईटी के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे।